असल मैं डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ हसन रजा उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं स्टूडेंट्स अपनी प्रीवियस क्लास में हम पहले दो नुमारिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराए हैं आज की इस क्लास में भी हम फर्दर दो नुमारिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे सोल्यूशन कैसे करना है वैल्यूज़ कौन से फार्मूलाज में कैसे पुट करनी है ये सब हम आज के इस लेक्चर में सॉल्व होता देखेंगे

मिरर और लेंस के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना पड़ेगा जो हम ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके आ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों में तमाम कॉन्सेप्ट यकीन होंगे लेट्स स्टार्ट पहला आज का नुमरिकल प्रॉब्लम पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है मारियर स्टूडेंट्स द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन कॉनकेव मिरर आर ऑफ सेम हाइट येट इनवर्टेड वेन द ऑब्जेक्ट इज एट ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर यहां पर तो काफी नाजुक सूरत हाल है बहुत टेक्निकल मामला हमें कहा यह जा रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक कॉन्केव में सेम हाइट के यानी जिस हाइट का ऑब्जेक्ट है उसी हाइट का इमेज भी है ये उस सूरत में होगा जब ऑब्जेक्ट ट्वेंटी सेंटीमीटर पर मौजूद हो आपको फोकल लेंथ बतानी है स्टूडेंट्स पहले इस नुमरिकल को अंडरस्टैंड करें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम यह गिला किया करते हैं कि सर हमें बाजुकात यह समझ नहीं आता कि हम किस पॉइंट पे किस नुमेरिकल प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला इंजर्ट करें तो स्टूडेंट्स अगर आप नुमेरिकल की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लें, तो खुद स्टेटमेंट आपको बता रही होती है कि मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाऊंगी सो लेट्स टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स हमारे पास मैं उसको दोबारा से रीहाइलाइट करता हूं हमारे पास यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर और हमसे फोकल लेंथ मांगी जा रही है स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो और अगर इमेज डिस्टेंस भी हो तो फोकल लेंथ निकालना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं यानी कि अगर हमारे पास किसी तरह से इमेज डिस्टेंस आ जाए तो हम लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन हमारे पास इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इमेज डिस्टेंस नहीं है इमेज डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए तो इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम वही टेक्निक यूज करेंगे जो हम प्रीवियस में, में यूज करके आ रहे हैं। तो चलिए लेट्स राइट डाउन दिवन हमें क्या क्या दिया गया है स्टूडेंट्स हमें जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम हाइट सो मैं ये कह सकता हूं आई यानी एम एज हाइट इज इक्वल्स टू ओ यानी ऑब्जेक्ट हाइट और साथ ही कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट इज ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम दिन ओ यानी पी पी इज ट्वेंटी सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ट्वेंटी सेंटीमीटर वॉट इज द फोकल इन दैट बस और कुछ नहीं है और required दे दिया गया पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है वट इज द फोकल लेंथ एफ की वैल्यू बताएं क्या होगी सो डे स्टूडेंट नॉट अ बिग डील कोई प्रॉब्लम ही नहीं चलिए सॉल्व करते हैं हमारा जो मेन फॉर्मूला यूज होगा वो फार्मूला लेंस फार्मूला है विच

फॉर्मूला आई ओवर ओ की रेशियो इक्वल होती है क्यू ओवर पी की रेशियो के सो डियर स्टूडेंट्स दिस रेशियो विल हेल्प आउट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू जैसे कि अब हम कह चुके हैं आई इज इक्वल्स टू ओ है तो आप सिंपल इसकी जगह एक्सपोर्ट कर दें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यूज बनेंगी i की जगह भी एक्सपोर्ट कर देते हैं o की जगह भी एक्सपोर्ट कर देते हैं तो x ओवर x इज इक्वल्स टू q हमें फाइंड आउट करना है और p की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर है सो so x को x से कैंसिल कर देंगे 1 इज इक्वल्स टू q ओवर 20 सेंटीमीटर तो माय डियर स्टूडेंट्स q की वैल्यू निकल आएगी ट्वेंटी सेंटीमीटर तो देखा आपने उस पुराने टेक्निक को यूज करते हुए हमने इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया तो स्टूडेंट्स ये इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए क्या राय है आपकी आपका प्रीवियस नॉलेज क्या कहता है इट शुड बी पॉजिटिव और इट शुड बी नेगेटिव माइंडर स्टूडेंट्स इट शुड बी पॉजिटिव बिकॉज ये मिरर है और कॉनकेव मिरर में जो इमेज हमारे पास आ रहा है वो इनवर्टेड है so, इस केस में इमेज रियल बन रही है तो लिहाजा डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव तुम्हारे यू हैव गॉट क्यू आपके पास क्यू की वैल्यू आ चुकी है लेट्स यूज द मिरर फॉर्मूला वन बाय इज इक्वल्स टू वन बाई पी प्लस वन बाय क्यू

कैंसल इट आउट तो वन बाय एफ की वैल्यू वन बाय टेन आ जाएगी स्टूडेंट्स फाइनली योर फोकल लेंथ विल लेंथम टेन सेंटीमीटर आपका ये जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर होगी स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा न्यूमरिकल प्रॉब्लम था सिर्फ उन्ही कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहा हूं जो कॉन्सेप्ट हम चैप्टर में सीख के आ रहे हैं हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आ चुकी है उम्मीद करता हूँ कि प्रॉब्लम समझ आई होगी अब आप इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर ट्वेल्व पॉइंट फोर लेट्स रीड इट आउट और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेस फाइंड आउट द फोकल लेंथ तो हमसे फॉरन से न्यूमेरिकल के स्टार्ट में ही लेंथ पूछ ली गई है ऑफ अ मिरर एक मिरर की फोकल लेंथ हमें बतानी है दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर स्टूडेंट्स ये जो बिहाइंड द मिरर का वर्ड है इससे आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं यानी आप ये समझना चाह रहे हैं कि जो इमेज बन रही है वो मिरर की बैक साइड पे है फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि मिरर कौन सा है तो मैं जस्ट एक ऐसा प्लेन मिरर इमेजिन कर लेता हूं ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है कनकेव भी हो सकता है क्योंकि अभी बताया नहीं गया तो मैंने एक जस्ट ऐसी मिरर आपके सामने ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स अब इस केस में ये प्रिंसिपल एक्सेस है जो इस मिरर के पोल से पास कर रही है इसका ऑब्जेक्ट यकीन यहां कहीं होगा और इसका इमेज ऑपोजिट साइड पर बन रहा है तो डियर स्टूडेंट्स क्या ख्याल है बिहाइंड द मिरर जब इमेज बनती है तो वो इमेज रियल होती है या वर्चुअल होती है स्टूडेंट्स दिस इज द वर्चुअल इमेज सो हमने अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहां पर ये अंडरस्टैंड कर लिया कि बिहाइंड द मिरर से मुराद ये वी आर गेटिंग अ वर्चुअल इमेज तो अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस को क्या लूंगा सो डियर स्टूडेंट्स द इमेज डिस्टेंस फॉर द वर्चुअल इमेज इज गोइंग टू बी नेगेटिव तो ये क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी चलिए आगे पढ़ते हैं सो बिहाइंड द मिरट से आगे ऑफ एंड ऑब्जेक्ट प्लेस एट थर्टी फोर पॉइंट फोर सेंटीमीटर तो डेयर स्टूडेंट्स यहां पर मेरर इज दाइंड आउट करना है कि ये जो मेर आपने ड्रॉ किया है ये कैसा मिररर है कॉन्केव है या कॉनवेक्स डियर स्टूडेंट्स जरा सोचिए आपको मिरर दिखाया भी नहीं जा रहा आपने मिरर देखा तो नहीं है तो आप कैसे बताएंगे कि ये मिरर कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है तो स्टूडेंट्स इसी को फिजिक्स कहते हैं कि जो चीज आपने देखी ना भी हो उसके बारे में भी आप प्रोडिक्शन कर सकें अब आप प्रोडिक्शन करेंगे अपने नॉलेज को अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए चले निकल प्रॉब्लम में प्रोसीड करते हैं मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गैस करेंगे ये कौन सा इमेज होगा बगैर देखे कैसे बता देंगे कि सर ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है Let's start. So, आप जानते हैं कि सबसे पहले आप यहां पर गिवन लिखते हैं, यानी आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है so, students, हमें information ये दी गई है कि 5.66 पर जो बन रहा है वो एक वर्चुअल इमेज है सो so, लिहाजा हमें इंफॉर्मेशन दी गई है q की वैल्यू माइनस फाइव सेंटीमीटर ले ली जाए बिकॉज ऑफ द वर्चुअल नेचर ऑफ द इमेज और पी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दर्टी फोर पॉइंट सेंटीमीटर नो नीड टू टेक इट नेगेटिव न मिरर कॉन केव कॉन्वेक्स ये भी बताना है और दूसरी चीज आपको ये भी बतानी है कि फोकल लेंथ क्या है सो डियर स्टूडेंट्स व्हाट विक्वायर्ड रिक्वायर्ड क्या है चलिए लिख देते हैं हमें फोकल लेंथ चाहिए और नेचर ऑफ मेरर चाहिए नेचर ऑफ मिरर क्या है किस किसम का मिरर है किस नेचर का मिरर है यह हमें पता करना है तो स्टूडेंट्स लेट्स कम टूवर्ड्स सॉल्यूशन सॉल्यूशन की जानेब चलते हैं माय डियर क्यूरियस स्टूडेंट्स वी विल यूज द सेम मिरर फॉर्मूला वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय पी प्लस वन बाय क्यू इन ऑर्डर टू सॉल्व इट अगर आप इसमें इसकी वैल्यूज पुट करें तो वैल्यूज क्या निकलेंगी स्टूडेंट्स वन बाय एफ आपको फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू वन बाय पी थर्टी फोर पॉइंट फोर है प्लस वन बाय क्यू में नेगेटिव माइनस फाइव पॉइंट सिक्स एक्स किया जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स इसको फर्दर यहां पर सॉल्व करते हैं ये वन बाय इज इक्वल टू क्या आएगा अब ऐसी सिचुएशन में एक फाइव है और एक 34.4 है अब आप यहां पर दो काम कर सकते हैं एक यहां पर एलसीएम भी ले सकते हैं और दूसरा कैलकुलेटर पर फ्रैक्शंस को सॉल्व भी कर सकते हैं सो वन बाई थर्टी को अगर आप सॉल्व करें माय डियर स्टूडेंट्स तो वन बाय थर्टी की वैल्यू जो आती है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन सो मैं पुट करता हूं जीरो पॉइंट जीरो टू नाइन माइनस वन बाय 5.66 को अगर सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यू बनती है 0.177 सो डियर स्टूडेंट्स 1 सो एफ की वैल्यू क्या बनेगी वैल्यू बनेगी माइनस जीरो पॉइंट वन आप ये तमाम चीजें कैलकुलेटर पर सॉल्व करके चेक करेंगे स्टूडेंट्स तो यहां पर फोकल लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी माइनस सिक्स पॉइंट सेवन सेवन सी एम स्टूडेंट्स जो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो आपने कैलकुलेट कर ली so अब आती है वो इंपॉर्टेंट बात कि आप ये प्रिडिक्ट कैसे करेंगे कि मिरर कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है स्टूडेंट्स याद कीजिए अपने ओल्ड कॉन्सेप्ट्स को हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा एक कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो कॉन्वेक्स मिरर की नेचर है लाइट की रेस को डाइवर्ज करना बिखेर देना ये लाइट की रेस को फोकस नहीं कर सकता आप देख सकते हैं डाइवर्ज कर रहा है। इस केस में इसका प्रिंसिपल फोकस रियल नहीं होगा ये लाइट की रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर एक पॉइंट पर फोकस करेगा सो लिहाजा द फोकस इज नॉट रियल दैट इज वाई इट्स फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी इफ फोकल लेंथ ऑफ द मिररर बिकम्स नैगेटिव सो वट डू यू थिंक आपका मिरर कैसा होगा स्टूडेंट ऐसे केस में यार मिरर इज गोइंग टू बी कॉन्वेक्स मिरर सो सिंपल सा रीजन है अब ऐसे केस में आपका मिरर कॉन्वेक्स मिरर होगा सो so, आप कह देंगे आर मिररर इज कॉन्वेक्स मिररर हमारा मिरर है क्योंकि इसकी फोकोटिव so इन ली जा रही है so students, मैं उम्मीद करता हूं कि ये नमारिकल ट्वेल्व पॉइंट फोर भी आपको समझ आया होगा मैंने कोई नई बात आपसे यहां पर शेयर नहीं की सिर्फ उन्हीं पुराने कॉन्सेप्ट की बिना पर इस सवाल को भी सॉल्व किया है माइडियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो नुमारिकल प्रॉब्लम्स अब बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगे अब आपके लिए ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी है उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हैं अपना बेनतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम न्यू नुमरिकल प्रॉब्लम्स खुदा हाफिज